नमस्कार, स्वागत है। ये झंझारपुर का कमला नदी पुल है। आप मेरे पीछे मंजर देख ही सकते हैं। एक बार फिर से जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। कमला नदी फिर से उफान पे है। लोगों के बीच फिर से भाई का माहौल बना हुआ है। काफ़ी जलस्तर में अचानक इन दो दिनों में बढ़ोतरी आई है। करीब 10-15 दिनों से पानी का स्तर जो था तो पूरा कम हो गया था, लेकिन अचानक इन दो दिनों में फिर से जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। फिर से कमला नदी पूरे उफान पर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का मंजर है और पानी में किस तरीके का बहाव है। करीब 10 दिनों से यहाँ पे पानी का जो स्तर था तो बहुत कम हो गया था, लेकिन अचानक अभी एक दो दिनों में पानी जो है तो काफ़ी बढ़ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके का मंजर है, किस तरीके का बहाव है। स्थिति बहुत ही भयावह है। फिर से लोगों में जो डर का माहौल था वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन अचानक फिर से जल में बढ़ोतरी होने की वजह से फिर से लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। आसपास के गांव में जो लोग हैं सो अपना पैकिंग तक करना स्टार्ट कर दिए हैं। फिर से मुझे कल रात में ही एक कॉल आया था कि ऐसे ऐसे फिर से पानी में काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी है, हम लोग बहुत डरे हुए हैं, पैकिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। आप देख ही सकते हैं क्या मंजर है, क्या नज़ारा है। पानी में काफ़ी ज़्यादा मतलब बहाव है और पानी का रफ्तार भी बहुत तेज़ है और पानी में बढ़ोतरी भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। इससे पहले भी हमारी टीम यहाँ पे आई थी, हमने रिकॉर्ड किया था, तो इससे पानी का जो स्तर था वो कम ही था, लेकिन अचानक फिर से पानी में बढ़ोतरी देखी जा रही है और बढ़ता ही जा रहा है। पानी कम नहीं हो रहा है। आसपास के भी क्षेत्रों में पानी बढ़ता ही जा रहा है। नहर छहर सबके पास पानी बढ़ता ही जा रहा है। ये पुल का नज़ारा है, झंझारपुर पुल का नज़ारा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे मंजर है, स्थिति है। पानी का जो रेत है, बहाव जो है, सो आप देखिए, आप खुद देखिए और समझिए कि किस तरीके का लहर है, किस तरीके का करंट है पानी में। बस पुल से थोड़ा ही नीचे है पानी, गाटर को छूने वाली है, कभी भी छू सकती है, पुल के ऊपर भी आ सकती है पानी। बहुत ही ज़्यादा बहाव है इस पानी के अंदर। रफ्तार करंट जो है पानी में वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। पहले की अपेक्षा से, इससे पहले जो पानी आया था, 10 दिन पहले जो पानी आया था, उसकी अपेक्षा में काफ़ी बहाव, काफ़ी करंट देखा जा रहा है पानी में। कब से यहाँ पे पानी बढ़ा है? अभी तो 3 दिन हो गया पानी। 3 दिन से पानी बढ़ रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी बहुत देखी जा रही है। हाँ, बढ़ोतरी तो और तो एक हाथ कमा है पानी, बहुत पानी भरा हुआ था अभी यहाँ पर, थोड़ा कम। अच्छा, पानी कम हुआ है? कम हुआ अभी, मतलब इससे ज़्यादा भी पानी था? इससे ज़्यादा भी पानी था बहुत। अच्छा, अचानक पानी में इन 2-3 दिनों में पानी में बढ़ोतरी। हाँ, ये पुल है जो झंझारपुर के कमला नदी के ऊपर है। ये यहाँ से ट्रेन भी गुजरती है और आप देख सकते हैं यहाँ से नज़ारा, जो पानी का स्तर यहाँ से भी काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहले से जो 15 दिन पहले जो पानी बढ़ा हुआ था उससे ज़्यादा ही पानी आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल काफ़ी ऊपर तक पानी आ चुकी है और पानी के में रफ्तार भी और करंट भी काफ़ी ज़्यादा है। हमारी टीम ने जो यहाँ पे 15 दिन पहले करीब रिपोर्ट बनाया था जो यहाँ के पानी को लेकर, हमारे सहयोगी रिपोर्टर साकेत तेजस्वी आज हमारे साथ जुड़ेंगे और वो भी बताएंगे कि इससे पहले और अभी के हालात में क्या फ़र्क है और उन्होंने क्या, पहले जो कंडीशन था और अभी के कंडीशन में उनको क्या लग रहा है कि पहले स्थिति भयावह थी कि अभी स्थिति भयावह है। ये हम अपने साथी रिपोर्टर साकेत तेजस्वी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे बात करेंगे। साकेत जी, एक बात बताइए कि इससे पहले जो हम लोगों ने, हमारी टीम ने और आपने जो रिपोर्ट बनाया था, मैंने भी एक रिपोर्ट बनाया था, पहले की स्थिति और अब जो अचानक जलस्तर में बढ़ाव हुआ है, अभी जो स्थिति है, अब वो क्या लगता है कि पहले स्थिति अच्छी थी या अभी स्थिति है? आप देख सकते हैं 10-15 दिन पहले हमने रिपोर्टिंग करी थी यहाँ से, तब से और अब में जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी दिख रही है। जो हमने सबसे पहला रिपोर्ट बनाया था झंझारपुर पुल के ऊपर, जब बाढ़ की आशंका थी, तब भी इतना ज़्यादा पानी नहीं था जितना आज हमें दिखाई पड़ रहा है। और सुनने में ये भी आया है कि कल इससे ज़्यादा पानी था, कल से थोड़ा पानी कम हुआ है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी है यहाँ पे। नहीं, तो पानी में तो सही में बढ़ोतरी हुई है। मैंने भी पहला रिपोर्ट बनाया था यहाँ पे, उस वक्त इतना पानी नहीं था और पानी भी कम था और इतना ज़्यादा करंट नहीं था, इतना ज़्यादा वेव नहीं था पानी के अंदर। अभी बहुत ज़्यादा वेव दिख रहा है, बहुत ज़्यादा करंट दिख रहा है पानी के अंदर। इससे यहाँ के आसपास के लोगों में फिर से डर का भय पैदा हो चुका है। क्या लगता है आपको, क्या सरकार पूरी तरीके से तैयार है, फिर से नहर को ठीक कर लिया गया या फिर से वही भयावह स्थिति देखनी पड़ेगी जो आज से 2 साल पहले देखनी पड़ी थी? क्योंकि आपने तो पूरा नहर वहर का भी रिपोर्ट करा था, आपको तो अच्छे से पता होगा। जी, जहाँ तक नहर की बात है तो अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले तक हम गए थे, कुछ ज़्यादा खास सुधार है नहीं, बस तैयारी के नाम पर वही कट्टे में मिट्टी डाल के दिया जा रहा है।
बस वही है। उसके अलावा ऐसा कुछ तैयारी दिखानी, बीच में फिर पानी कम भी हो गया, इस वजह से लोगों में भी और सरकार प्रशासन में भी जो जिनको ये अथॉरिटी है कि वो कुछ करें, उनके भीतर भी थोड़ी सी मतलब ढिलाई उत्पन्न हो गई कि चलो अब नहीं आएगा, बाढ़ थोड़ा नरम पड़ जाए, तो इस वजह से तैयारी में भी थोड़ी कमी ज़रूर नज़र पड़ रही है। लेकिन बाकी अब जब से दोबारा से एक दो दिन में पानी बढ़ा है, कितना कुछ फिर से तैयारी में ज़ोर शोर से चल रही है नहीं चल रही है, इसका अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल है जब तक कि हम वहाँ पे जाकर विज़िट ना करें। यहाँ के जो आसपास के लोग भी हैं तो अभी इस बाढ़ को, इस पानी के रफ्तार से अनजान हैं, जो अभी अचानक करंट आया है। आप यहाँ के आसपास के लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं, कितना उनको सजग रहना ज़रूरी है, कितना अपने को सेफ करना ज़रूरी है और ऊंचे से ऊंचे स्थान पर जाना ज़रूरी है, क्योंकि पानी का करंट जो है तो पहले से काफ़ी बढ़ चुका है। आप यहाँ के लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं आसपास जो, मुझे नहीं लगता कि अभी लोग अवेयर हैं इस स्थिति से, उनको शायद रूबरू नहीं है यहाँ पे जो कंडीशन, यहाँ पे जो हालात हैं शायद नहीं है, उनको पता नहीं है। इसीलिए हम आए हैं कि यहाँ के आसपास में जितने लोग हैं, जितने आसपास के गांव हैं जो इस पानी की वजह से प्रभावित होते हैं, उन तक ये रिपोर्ट पहुँचे, उन तक ये खबर पहुँचे, खास उनके लिए ही आए हैं, क्योंकि वो लोग शायद अब उनको लग रहा है कि नहीं अब बाढ़ चली गई है, पानी नहीं आएगा। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि पहले से ज़्यादा ही स्थिति खराब बनती जा रही है, ये कब अभी स्तर बढ़ ही रहा है, कितना बढ़ेगा कहना मुश्किल है। दो तीन दिन चार दिन बारिश भी बंद थी तो थोड़ा पानी का जो लेयर है वो नॉर्मल हो गया था, लेकिन जैसे कि दो तीन दिन से फिर से बारिश, ऊपर से बारिश स्टार्ट हो गई है, तो ऐसे में जल स्तर में अभी और ज़्यादा बढ़ोतरी होने की पूरी आशंका है, जिसके बाद ज़्यादा अगर इस रफ्तार में बढ़ती रही तो आप जैसे हम वहाँ से आ रहे थे, हम दिखा देंगे आपको, वहाँ से जब आ रहे तो सड़क से ज़्यादा नीचे नहीं है पानी, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि अगर ऊपर से बारिश नहीं रुकी तो फिर मौसम भी कभी भी बारिश हो जा रही है, मौसम भी अभी थोड़ा हल्का धूप निकला, लेकिन जब हम लोग आ रहे थे तो मौसम खराब था, पानी का पूरा आशंका था फिर से पानी होने की, लेकिन अचानक अभी फिर से मौसम बदला है। अच्छी बात है मौसम बदला है, लेकिन कब क्या हो कहना मुश्किल है, स्थिति है भयावह। और यहाँ के स्थानीय लोगों की जहाँ तक बात है तो जो आसपास के क्षेत्र में, जो तटबंध के इलाके में जो गांव पड़ता है, वहाँ सुनने में ये भी आया कि दो तीन दिन से लोग तैयारियाँ भी कर रहे हैं। मुझे भी सुनने में आया था। तो दो तीन दिन से लोग तैयारियाँ कर रहे हैं, लोग अपना सामान वगैरह पैक कर रहे हैं, जो माल पशु जिनके पास है ऊंची जगह पर ले जाने के लिए तैयार है। हालांकि अभी तक पानी जब तक ये जो शहर है उसको टच ना करे तब तक जाने की, पानी तो हम लोग जो आ रहे थे तो पानी तो काफी ऊपर तक टच कर चुका है, रफ्तार भी तेज है पानी। लेकिन अगर आप घर छोड़ के कहीं ऊंची जगह पर जाते हैं तो जब तक नेक टू नेक नहीं हो जाएगा तब तक कोई घर छोड़ के नहीं जाएगा, तो हालांकि लेकिन सब तैयार हैं जितना पता चल रहा है, तो अब देखते हैं कि भगवान ना करे ऐसा हो। ज़रूरत भी है लोगों को तैयार रहने की, क्योंकि स्थिति आप देख ही सकते हैं आपके सामने में है, क्या स्थिति है, क्या मंजर है। आप मीडिया चौकी के माध्यम से रिपोर्ट देख ही सकते हैं कि क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, तो लोगों में जागरूकता रहना ज़रूरी है। आप यहां के हालात से रूबरू रहें कि क्या कंडीशन है, और मैं यही कहना चाहूँगा स्थिति को देखते हुए अपने आप को सेफ़ रखें, ऊंची जगह पर रहें, क्योंकि पानी का स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। मैं राजन झा और हमारे साथ सहयोगी रिपोर्टर साकेत तेजस्वी आपको पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। यदि आपको हमारा रिपोर्ट पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और बाढ़ के अलावा भी हमारे चैनल पर काफ़ी अलग तरह का कंटेंट है, हम यहाँ का कल्चर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपको वो चीज़ भी पसंद आ रही हो तो हमें सब्सक्राइब कर थोड़ा प्रोत्साहित ज़रूर करें, ताकि हम फ्यूचर में और अच्छा काम कर पाएँ। धन्यवाद।